ये देखिए गाइस, हमारे लोबिया और चावल कितने बढ़िया बने। एक एक दाना चावल बना और ये लोबिया देख। हेलो गाइस, आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं लोबिया। ये देखिए, राजमा से थोड़े से छोटे होते हैं और ये इस तरह के होते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी लोबिया लिया है और मसाले में ये हरा लहसुन, एक प्याज, दो टमाटर, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चा 5 से 6 और एक पूरी कली लहसुन की। इसको हम धो के अच्छे से फिर बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चा, टमाटर सबको बारीक एकदम चॉप कर लिया। अब इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। और इधर हमने कुकर रख दिया है। इसमें देखिए, हमने मस्टर्ड ऑयल एक करछी डाल दिया है, सरसों का तेल। अब ये गरम हो जाएगा, उसके बाद ये हम मसाला डाल देंगे। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें हम ये जितना मसाला है वो डाल देंगे। अब इसको हम भूनेंगे कम से कम 5-7 मिनट। अब इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच पिसा धनिया लिया है, किचन किंग मसाला, हल्दी 1 चम्मच और ये है लाल मिर्च, ये हम पूरा डाल देंगे। और ये नमक लिया हमने स्वाद के अनुसार। इसको अच्छे से हिला के इसको भूनने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसका तेल भी अलग हो गया। अब इसमें हम लोबिया डाल देंगे जो हमने धो के रखा हुआ है, और इसको हम 5 मिनट भूनेंगे इसी मसाले में, जिससे कि इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आ जाएगा। ये देखिए, हमारा ये भी लोबिया भी अच्छे से भुन गया है और मसाला भी उसमें अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे जितनी हमने ग्रेवी रख ली है। ये देखिए, हम चावल के साथ बना रहे हैं तो इसलिए हमने ज्यादा ग्रेवी रखनी है। अगर आप रोटी के साथ इसको खाएंगे तो आप कम ग्रेवी रख सकते हैं। कुकर बंद करके एक सीटी हो जाए तो उसकी गैस सिम पे करके फिर आप 10 मिनट तक रख दें सिम पे, और उसके बाद हमारा लोबिया एकदम बन जाएगा। ये देखिए, हमारी लोबिया की सब्जी एकदम बढ़िया हो गई है। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा क्रश करके कस्तूरी मेथी, जिससे कि टेस्ट एकदम बढ़िया आ जाएगा। और धनिया को हमने धो के अच्छे से छान लिया है। अब थोड़ा सा ये डाल देंगे जिससे खुशबू भी एकदम अच्छी आ जाएगी और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, कलर गाइस कितना बढ़िया आया है, देख के मन कर रहा है कि इसको खा लिया जाए। अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। स्टार्ट। ये देखिए गाइस, हमारे लोबिया और चावल कितने बढ़िया बने। एक एक दाना चावल बना और ये लोबिया देखिए, जैसे राजमा और चावल खाए जाते हैं वैसे ही लोबिया और चावल भी खाए जाते हैं। देखिए रंग कितना बढ़िया है और स्वाद भी एकदम बढ़िया है, खा के आप देखेंगे
तो मज़ा आ जाएगा। अगर आपको इस तरह हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको लोबिया चावल इस तरह किस तरह लगा, कैसे लगा आपको, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अगर आप चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बाय बाय। हेलो, मैं बना रही है लोबिया की सब्जी। मम्मा, धनिया है ये? धनिया है ये? हाँ, अभी तक तो धनिया है। अगर आप इसको पुदीना मानते हैं तो बात अलग है। ये मैं पुदीना नहीं मानती। फिर तो ये धनिया ही है। उबाल आने दो। रुक जाओ। उबाल आ जाएगा।